बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। राज राज के गुण गाते रहो, राज राज गुण गाते रहो, माया से खुद को बचाते रहो, माया से खुद को बचाते रहो, प्राण पिया जी के चरणों में, प्राण पिया जी के चरणों में जीवन अपना बिताते रहो, माया से खुद को बचाते रहो, माया से खुद को बचाते रहो। कोई न जाने इन सांसों की डोर ये कब कट जाए, झूठी काया झूठी माया जाने कब मिट जाए, प्रीत पिया की निभाते रहो, प्रीत धनी की निभाते रहो, माया से खुद को बचाते रहो, माया से खुद को बचाते रहो। अपना साचा घर है साथ जी, चौदे भवन से न्यारा, लीला है अद्वित जहाँ पर वो निज धाम हमारा, युगल पिया को रिझाते रहो, जुगल बचाते रहो, माया से खुद को बचाते रहो। आठ प्रहर दिन 64 घड़ियां, निस दिन पियो पियो जपना, यही तो अखंड खजाना इस माया में अपना, दिल में पिया को बसाते रहो, दिल में धनी को बसाते रहो, माया से खुद को बचाते रहो, माया से खुद को बचाते रहो। राज राज गुण गाते रहो, राज राज गुण गाते रहो, माया से खुद को, माया से खुद को बचाते रहो, दिल में पिया को बसाते रहो, माया से खुद को, माया से खुद को, माया से खुद को बचाते रहो, माया से खुद को बचाते रहो। राज राज गुण गाते रहो, राज राज गुण गाते रहो, माया से खुद को बचाते रहो, राज राज गुण गाते रहो, धाम धनी के गुण गाते रहो, राज श्यामा के गुण गाते रहो, राज श्यामा के गुण गाते रहो।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साज जी को हृदय से कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हे सात जी, ऐसी यह जो विकट और अथाह माया है, इस माया के बीच में जब रूहों को श्री राज जी ने लाया तो सही, उतारा तो सही, परंतु यहां से उस चौथे आसमान नूर परे नूर तजल्ला अक्षर परे अक्षरातीत धाम की याद दिलाने के लिए पल पल हमारे धाम धनी हमें उसी निज धाम को स्मरण कराने के लिए तरह तरह से वाणी के अंदर उपाय कर रहे हैं, ताकि जो रूहें हैं वो इस खेल में अपनी सुरता को न बांधते हुए धनी के श्री चरणों में, धनी के स्वरूप में बांध सकें। और इसी संदर्भ में सुंदर सांझ जी, आज हम श्री किरंतन ग्रंथ के अंतर्गत प्रकरण 112 जिसमें श्री राजी महाराज के स्वरूप का वर्णन किया गया है, इस पंच चौपाई युक्त प्रकरण की चर्चा हम संक्षिप्त और सार गर्भित रूप से कर पाएंगे, क्योंकि हे सात जी, आज धाम धनी की कृपा से हम ये जो वाणी चर्चा का कार्यक्रम चल रहा है इसमें 200 एपिसोड्स में, 200 पार्ट्स में पहुंचे हैं। और वह एक इत्तेफाक की बात है कि गुरुवार जो श्री सतगुरु स्वरूप के लिए हम निछावर करते हैं, ऐसे अत्यंत पूजनीय इस वार के दिन पर 200 पूर्ण हो जाते हैं, और इसीलिए श्री राजी महाराज की कृपा का अनुभव करते हुए धनी श्री राजी महाराज के श्री चरणों को, उनके स्वरूप को स्मरण करने हेतु ही यह जो प्रकरण है स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, इस प्रकरण की वाणी चर्चा हम आप यहाँ करते हैं। तो हे सात जी, आइए श्री राज श्यामा जी के पावन चरणारविंद में हम कोटानुकोट प्रणाम के साथ आज के इस सत्र का शुभारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागो दो चरण को धनिये चढ़ायो क्षिणा, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एहि जीवन, इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालों निरखों नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय परम आदरणीय गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री दीनदयाल जी गुरुजी के पावन चरणारविंद में अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम, जिन्होंने इस तारतम वाणी के शब्द शब्द का रसपान न केवल शरीर के कानों को कराया, बल्कि रूह आत्मा के कानों तक पहुंचा करके कौल फैल हाल तीनों में परिवर्तन कर दिया, ऐसे परम श्रद्धेय गुरुदेव को बारंबार हम नमन करते हैं एवं उपस्थित आप सभी सुंदर सांझ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।
आइए सुंदर साज जी, समय सीमा के अनुसार इस प्रकरण की चर्चा को हम आप श्रवण करते हैं। श्री महामति कहे ए मोमिनो, ऐसी क्यों चाहिए रुहन, ए मेहर देखो महबूब की, अरस जिनो वतन, अरस जिनो वतन। राग सिंधुड़ो स्वरूप सुंदर सनकूल सकोमल। हे सुंदर साजी, धाम धनी का यह जो स्वरूप है, ये कैसे प्रकार का स्वरूप है, अगर इसका निरूपण किया जाए तो संसार के अंदर के जो लोग हैं वो दो ही प्रकार के स्वरूप को जानते हैं, जैसे कि सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप, फॉर्मफुल एंड फॉर्मलेस, ये दोनों बात को जानते हैं। मगर सुंदर साज जी, इन दोनों आकार से परे, इन दोनों आकार से अलग जो कहा जाए उसे शुद्ध साकार कहते हैं। साकार वो है जिसका आकार है, निराकार वह है जिसका आकार ही नहीं है। मगर जो साकार कहा जाता है वो केवल वर्तमान काल के अंदर ही देखने में आता है, उसका स्थायी अस्तित्व नहीं है। हालांकि साकार निराकार दोनों से परे जो शुद्ध साकार है, ये आकारवंत होने के साथ ही साथ शुद्ध इसीलिए कहे गए हैं क्योंकि इनका जो आकार है, जो शेप है, वो जो फॉर्म कहा गया है, वो तीनों काल में अखंड है, स्थिर है। ऐसे जो शुद्ध साकार स्वरूप वाले हमारे खसम नूर जमाल श्रीराजी महाराज हैं, इनके स्वरूप का वर्णन श्री इंद्रावती सखी जगह जगह पर करती है। मूल रूप से देखा जाए तो जब हम सेवा पूजा आदि का गान करते हैं तो वहां पर भी प्रातकालीन स्वरूप के अंदर श्री राज श्यामाजी रूपी युगल स्वरूप का जो हम वस्त्र अलंकार आदि धारण उन्होंने किया है, इसका वर्णन श्रवण करते हैं। हालांकि इससे बढ़कर की गहराई का जो वर्णन है वो हमको श्री सागर, श्री सिनगार आदि ग्रंथों में पूरी तरह इन डेप्थ मिल जाता है। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि सबकी रुचि एक समान नहीं होती है। कोई कोई जो इसके इतने ही पात्र हैं कि वे वस्त्रों का रंग और कौन सा स्वरूप कैसे विराजमान है इतना जान करके जो संतुष्ट हो जाते हैं, उनके लिए एक प्रकार से स्वरूप का वर्णन किया गया है। किंतु ऐसे जो जीव सृष्टि है उनसे बढ़कर के और गहराई में जो वर्णन को सुनना चाहते हैं वो ईश्वरीय सृष्टि हैं। उनको उतने वर्णन मात्र से हृदय के अंदर करार नहीं होगा, शांति नहीं होगी। लेकिन सागर ग्रंथ के अंतर्गत जो भी वर्णन श्री जुगल स्वरूप का किया गया है उससे भी बढ़कर और गहराई में वर्णन, ये सब कुछ श्री सिंगार ग्रंथ में जाकर मिलता है। जो केवल और केवल ब्रह्म सृष्टि की इच्छा, चाहना और पिपासा के अनुरूप लिखा गया है, श्री राजी महाराज के हुक्म और जोश से वहां पर जो वाणी अवतरित है वो इतनी गहराई की वाणी है कि श्री राजी महाराज के स्वरूप के प्रत्येक अंग में, जैसे मान लीजिए चरण रूपी अंग है, तो वहां पर जो लाख लीक आदि बनी हुई है, लकीरें आदि हैं, उतना तक गहराई में वर्णन किया गया है, जिसके द्वारा धामस्त रूहों को आत्म शांति का अनुभव होगा, क्योंकि वो रात दिन उन्हीं स्वरूप के चरण के लाक लीक का ध्यान कर सकेंगे। इसी तरह जैसे चरण रूपी अंग का करेंगे वैसे अंग प्रत्यंग का भी ध्यान करेंगे। ये सारी ब्रह्म सृष्टि की दैवत है, उनके लिए आई हुई नियामत है।
और सुंदर साज जी, जहाँ तक कि किरंतन वाणी के अंतर्गत जो स्वरूप का वर्णन पंच चौपाइयों के माध्यम से किया गया है, ये एक संक्षिप्त कैप्सूल फॉर्म में वर्णन किया गया है, जिसके अंदर जो मुख्य मुख्य अंग आदि को हम जब चित्वन करते हैं, हृदय की आंखों के द्वारा जब निहारते हैं और जो अनुभव की प्राप्ति होती है, इस साक्षात्कार के अनुभव को दिलाने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया गया है। धनी श्री प्राणनाथ जी इसी संदर्भ में कहते हैं कि मेरे धनी मेरे दुल्हा का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है। इस स्वरूप को निहारने के लिए सर्वप्रथम वे आह्वान करते हैं रूह को, अपने अंदर की आत्मा को आह्वान करते हैं। स्वरूप का वर्णन तो बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपनी रूह को आह्वान किया। हे रूह, देख नैना खोल नूर जमाल। शरीर के नेत्रों को संबोधित नहीं करते हैं, हे मेरी रूह, तो तेरे नैनों को खोल करके नूर जमाल के स्वरूप को निहार। नूर नूर नूर, नूर के भी कई प्रकार हैं, कई मायने करे जा सकते हैं, लेकिन ये सभी नूर का मूल स्रोत रूप जो है, मूल पुंज रूप जिसको कहा गया, जहां से हर प्रकार का नूर बरसता है पसरता है, उसी को नूर का जमा कहते हैं, पुंजी कहते हैं, इसीलिए नूर जमाल कहा गया है। हे साथ जी, श्री इंद्रावती सखी ने अपनी रूह को जिस प्रकार से आह्वान किया, संबोधित किया कि हे मेरी रूह, अब तो तेरी भीतर की नजरों को खोल दे और इन नूर जमाल के स्वरूप को तू निहार ले। अब आगे स्वरूप का वर्णन करते हैं कि मेरे धनी का स्वरूप कैसा है। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल। सुंदर अति सुंदर स्वरूप किशोर अवस्था का अमृत स्वरूप इनको कहा गया है। तो ऐसे अत्यंत सुंदर और संकुल यानी के प्रफुल्लित स्वरूप है। हम जिस प्रकार से वन बगीचे आदि में जाते हैं, वहां पर कलियों का रूपांतर जब फूल में हो जाता है, और वो भी बड़ा खिला हुआ फूल होता है, जब हम प्रकृति को खिली हुई देखते हैं, तो आत्मा के अंदर स्वतः एक आनंद का संचार हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर नूर जमाल क्षातीत श्री राजी महाराज का स्वरूप भी संकुल प्रफुल्लित कहा गया है। जिस स्वरूप को आप साक्षात्कार करते हैं, निहारते हैं, तो इन स्वरूप के अंदर की जो चेतना ऊर्जा शक्ति है, वो हमें भी प्रसन्न चित कर देती है, प्रफुल्लित कर देती है। इस प्रकार मेरे धाम धनी का स्वरूप सकोमल अर्थात कोमल से भी कोमल। हम यहाँ पर जिस प्रकार से कोमलता को समझते हैं, तो हमारी दृष्टि में जैसे मखमल आदि है उसको कोमल कहा जाएगा, कोई नरम वस्तु हो उसको कोमल कहा जाएगा। लेकिन सुंदर साजी, हम ये भूल जाते हैं कि हम स्थूल ब्रह्मांड के भीतर बैठ करके परम धाम के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और उस धाम के अनुसार की कोमलता के गुण की बात कर रहे हैं। श्री राजी महाराज का जो स्वरूप है, उसके अंदर ये तीन मुख्य क्वालिटीज को यहाँ पर प्रकाशित किया गया। और हम यदि केवल संसार के दृष्टिकोण से कोमलता का विचार करते हैं, तो हे साथ जी, ये दृष्टि पर्याप्त नहीं होगी। इसी के लिए चित्वन करने कहा जाता है। जितना हम दिन प्रतिदिन श्री राजी महाराज के स्वरूप का चित्वन करते हैं अलग अलग चौपायों के द्वारा, तब जाकर हमें भी उस स्वरूप का साक्षात्कार होने लगता है। इसी साक्षात्कार के माध्यम से धाम में कोमलता का गुण किस प्रकार का है, यहाँ भी कोमल कहने से बड़ा अच्छा लगता है, मगर धाम के द्वारा, धाम के दृष्टिकोण से जो कोमलता का वर्णन किया गया है,
उस हेतु से हमको कोमलता का अर्थ समझना होगा। इस प्रकार से श्री इंद्रावती सखी कहती है, फेर फेर महबूब जी आवत हृदय। ये मेरे महबूब हैं, मेरे प्राणों के आधार, मेरे प्रियतम धनी, मेरे माशूक हैं। फिर फिर बारंबार वो ही मेरे चित्त में आकर, मेरे दिल में आकर के उनका स्वरूप मेरे नजरों के सामने गढ़ जाता है। ये उन्हीं रूहों को अनुभव हो रहा है जो रात दिन केवल और केवल अपने धनी के स्वरूप का ही साक्षात्कार करती हैं। फिर फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। तो बारंबार धनी को धनी के चरण कमल से लेकर के नख से सिख तक के स्वरूप को जब सखियां निहारती हैं, तो बार बार धनी जी का वही स्वरूप उनके नेत्रों के सामने आ जाता है। और इसीलिए कहा, बारंबार महबूब की छवि, महबूब का स्वरूप मेरे सामने आ जाता है। और चौथे चरण में इसका मिलान करती हुई श्री इंद्रावती सखी इतने सुंदरता से बयान करती है कि ये महबूब कौन है, अगर मैंने उनका परिचय देना हो तो मैं क्या कहूं। किया किनने तेरा कौल फैल ए हाल। हे इंद्रावती सखी, ये वो ही महबूब है। हे मेरी रूह, ये वो ही प्रियतम धनी है जिन्होंने परम धाम में वादा किया था, शर्त की थी कि मैं आकर के तुम्हें वहां पर जागृत करूंगा, जिस परम धाम को तुम भूले होगे, स्वयं को भूले होगे, मुझे भूले होगे, ये सब कुछ याद कराते हुए तुम्हें मैं पुनः परम धाम की याद दिलाऊंगा। और हे मेरी सखियों, उस समय में संसार के कौल फैल और हाल से परिवर्तित कराते हुए मैं आपको परम धाम के कौल फैल हाल प्रदान करूंगा। क्या धनी श्री राज्य ने ये वादा नहीं किया था। हे धाम की सखियों, श्री इंद्रावती सखी कहती है कि मेरे धाम धनी दुल्हा ने जिन्होंने वायदा किया था, वही यहाँ आकर के हमारे कॉल फेल हाल तीनों को बदला रहे हैं, क्योंकि वही प्रियतम धनी श्री सतगुरु के रूप में आए हुए हैं। और यहाँ आकर के कॉल यानी कि कहना, फेल माने कि चलना, और हाल यानी कि जो दशा, जिस स्थिति के अंदर वह रूह पहुंच जाती है, ये तीनों का परिवर्तन हमारे धाम धनी ने सतगुरु रूप में आकर के कर दिया है। तो हे सखियों, पहले जो हमारा कॉल हुआ करता था, वो संसार के शब्द कहते थे, संसार की बात चित्त में बार बार चुभ जाती थी, इसने मुझे वह कहा, उसने मेरी इस प्रकार निंदा की, वही चीज चित्त में बार बार गढ़ जाती थी। लेकिन अब जो कॉल में परिवर्तन हुआ है, तो दिल में चुभी हुई बात ही जुबान के द्वारा लफ्जों पर आती है, शब्दों में परिवर्तित हो जाती है। धनी के स्वरूप, धनी की लीला के बिना इस जुबान से शब्द ही नहीं निकलते हैं। इस प्रकार कॉल में परिवर्तन हुआ, वैसे ही फेल में परिवर्तन हो गया, वॉक द टॉक। क्योंकि जो बात हम कहते हैं, वही बात हमारे आचरण में भी आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि फेल में परिवर्तन हुआ, व्यवहार में परिवर्तन हुआ। जब कॉल और फेल दोनों बदल जाते हैं, तब जाकर के हम एक स्थिति का अनुभव करते हैं। पूरी तरह से हमारा जो मन है, उस सतगुरु के वचनों के द्वारा ऐसे परिवर्तित हो जाता है, अब उन वचनों के अतिरिक्त हम और कोई बात कर ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार हमारी मन की दशा, हृदय की दशा, आत्म की दशा, इस सब में परिवर्तन हो जाता है। तो हे इंद्रावती सखी, अपनी रूह से कहते हैं, तू इन स्वरूप का स्मरण कर ले जो धाम के धनी हैं, और जो यहां सतगुरु रूप में आकर के तेरे कॉल फैल हाल सबको बदल देते हैं।
जामा जड़ाव जुड़िया अंग जुगते। मेरे धनी के अंग के साथ में उन्होंने जो श्वेत रंग का जामा पहना हुआ है, धारण किया हुआ है, वो ऐसे जड़ित जामा है, वो कई रंग बिरंगे प्रकार के नग आदि से जड़ा हुआ है और वही जामा उनके अंग से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जैसे हम भी यहाँ कपड़े आदि को बनवाते हैं, सिलवा के लेते हैं, तो हम कहते हैं टेलर को फिटिंग में बनाना। इसी प्रकार से धाम धनी जो यहाँ जामा धारण किया हुआ है उन्होंने, वो पूरी तरह धनी के अंग के साथ में मिला हुआ है। जुगते यानी कि युक्ति पूर्वक इस प्रकार से वह जामा बना हुआ है। चारु हार करी अंबर जलकार। ये चारु कहने का मतलब सुचारु है, अत्यंत सुंदर है। कई बार चार अंक के साथ में इसको समझा जाता है, परंतु वो अंक चार नहीं है। चार कहने का मतलब चारु अथवा सुचारु अत्यंत सुंदर हार है। ये हार जिनके अंदर की जो रोशनी है वो सब अंबर यानी कि आकाश के अंदर में जलकार कर रही है, क्योंकि साथ जी परम धाम इस प्योर कॉन्शियसनेस, वहां का हर एक नग हर एक रतन जो है उन सब की अपनी अपनी रोशनी है, और ये रोशनी मानो कि उससे एक ज्योत निकल के आती है और वो सीधे आकाश तक पहुंच करके आकाश की किरणों के साथ में वो परस्पर युद्ध करती हुई नजर आती है। इस प्रकार धाम धनी जी के जो हारों में नगरत्न आदि जड़े हुए हैं, इनमें से जो जलकार रोशनी निकल रही है वो सीधा अंबर में जाकर के प्रकाशित होती है। जगमगे पाग ए ज्योत जवेर ज्यों। धनी ने जो सिंदूरिया रंग की पाग चीरा को धारण किया हुआ है, ये इस प्रकार से जगमग 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 हो रही है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की यहाँ पर जो शोभा उस पाग के साथ में बनी हुई है, उनमें जो नगरत्न आदि जड़े हुए हैं, इन सब की शोभा ऐसे लगती है मानो ज्योत जवेर ज्यों। जवेरों से जैसे ज्योत प्रस्फुटित होती है, इसी प्रकार धनी जी के इस चिरा से, इस पाग से तरह तरह के रंग बिरंगी जो ज्योत है वो प्रस्फुटित होती है और अंबर में जाकर के उसकी जलकार होती है। मीठे मुख नयनों पर जाऊं बलिहार। श्री इंद्रावती सखी, जैसे जैसे इन चौपाइयों के शब्दों को हम उच्चारण करते हैं, इसी के द्वारा धनी जी के उस पूर्णात्पूर्ण स्वरूप का ध्यान करती हुई अपने हृदय में इस बलिहारी हो जाने का भाव जो है उसको धारण करती है, निछावर होने के भाव को धारण करती है। क्योंकि जब अत्यंत मीठा मधुर मुखमंडल निहारती है, उसमें आए हुए चंचल और चपलता युक्त गुणयुक्त जो नेत्र आए हैं, उन नेत्र कमलों को जब याद करती है, तब उन्हीं का चितवन करते हुए श्री इंद्रावती सखी इन नेत्र और इस मुखमंडल के ऊपर फेर फेर बलिहारी जाती है। लाल अधूर हसत मुख हरवटी। पुनः मुखमंडल की शोभा की बात करें साथ जी, इसकी जो शोभा सुंदरता का वर्णन नहीं हो रहा है, केवल एक स्मरण हो रहा है, केवल एक झलक दी जा रही है। जैसे कि हम रोज सायंकालीन सेवा पूजा में इस स्वरूप का वर्णन करते हैं, क्यों कुछ ही अल्प समय के अंदर, अल्प कुछ चंद मिनटों के अंदर श्री राजी महाराज का संपूर्ण स्वरूप हमारे नेत्रों के सामने आ खड़ा होता है। अन्यथा इस स्वरूप का वर्णन करना तो असंभव है, ये तो हम केवल स्मरण के भाव से करते हैं। जो लाल अधूर यानी के होंठ आए हैं श्री राजी महाराज के, जब श्री राजी हंसते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं, उस समय में यहाँ जो हरवटी यानी ठोड़ी भी कहा जाता है, वी कॉल इट द चिन,
ये जो हरवटी आई हुई है वो अत्यंत सुंदर में सुंदर शोभा युक्त लगती है। इट लुक्स एज इफ कॉम्प्लीमेंट्री विद द लिप्स। जिस प्रकार लाल अधूर आए हैं उसी प्रकार से मुस्कान देती हुई ये हरवटी की शोभा हमको नजर आती है। और इस शोभा का जब हम स्मरण करते हैं तो ये तो देखते ही बनती है, चित्त धाम धनी के उसी मुखमंडल पे ठहर सा जाता है। नासिका तिलक नीलवट भौं है केश। धाम धनी की जो सुंदर नासिका है, इस नासिका से शुरू करते हुए नीलवट यानी कि जो ललाट होता है, मस्तक होता है, वहां तक जो टीका यानी कि चंदन किया हुआ है, वो सीधा नासिका से लेकर के भाल तक का ऊर्ध पुंड चंदन तिलक बनाया गया है। तो इस प्रकार से दोनों ही जो भौहें आई हैं, आईब्रोज हैं, उनके बीच भाग से यह सुंदर में सुंदर दिखने वाला तिलक जो है, उसकी रेखाएं जो है वो पसार होकर के मस्तक तक जाती हैं। इस प्रकार धामधनी के सुंदर मुखमंडल का हम ध्यान करते हुए जा रहे हैं। श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना। श्रवणों में कर्ण फूल आदि आभूषणों को धनी ने धारण किया हुआ है। जो इन आभूषणों की शोभा को देखें तो ये नगरत्नों से ऐसे जड़े हुए हैं कि प्रत्येक छोटा छोटा बारीक जो नग आया है वो सब में से रोशनी की जो किरणें हैं वो परस्पर उठ करके जंग करती हैं। इतना सुंदर कानों का आभूषण धामधनी ने धारण किया हुआ है। मुख दंत जो मुखमंडल कहें तो उसमें दंत पंक्तियों की शोभा इतनी सुंदर है कि वह देखते ही बनती है। और इतना ही नहीं, जब श्री राजी महाराज की मधुर मीठी वाणी बोलने वाली रसना यानी जुबान का दर्शन होता है, जब श्री राजी महाराज बातें करते हैं, मुस्कान देते हैं, और उस समय जब दंत पंक्तियों और अंदर की जो रसना को हम जब निहारते हैं तो बड़ा ही आत्म शांति का अनुभव होता है। और इसीलिए श्री इंद्रावती सखी कहती हैं, ए देख, इसको देखने से, ये मुखमंडल की शोभा को निहारने से दर्शन आवे जो स आवेश। मेरी रूह के अंदर धामधनी के मुखारविंद का दर्शन करने से धामधनी जी का ही जोश और धामधनी जी का आवेश शक्ति जो है वो सब कुछ मेरे अंदर ट्रांसफर होके आ जाता है। हे सुंदर सा जी, जिस प्रकार से संसार के अंदर में भी देखें तो जब कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को निहारते हैं तो उस समय भी नजरें कहाँ है, विशेष करके मुखमंडल के ऊपर, क्योंकि मुखमंडल के ऊपर नेत्र कान मुख रसना दंत पंक्तियों की जो शोभा है उसी को निहारते निहारते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मा के नयनों द्वारा, दृष्टि के द्वारा जब धाम धनी के मुखमंडल को हम निहारते हैं तो इस मुखमंडल की शोभा को देखने से धनी का जोश हमारे अंदर आता है, धनी की वो आवेश शक्ति वो भी हमारे अंदर में आती है। तो श्री इंद्रावती सखी जो पल पल धाम धनी के स्वरूप को निहार रही है, साक्षात्कार कर रही है, और हमें भी इन चौपाइयों के द्वारा इसी प्रकार धाम धनी का स्मरण करने के लिए कहती है, तो साथ जी जब हम भी स्मरण करते हैं तो उसके द्वारा धनी का जोश और आवेश वो हमारे अंदर में आता है। क्यों? जो दर्शन हम करते हैं नेत्रों के माध्यम से, ये नेत्रों के द्वारा हमने जो स्वरूप का दीदार किया हुआ है, उस स्वरूप के अंदर का जोश आवेश शक्ति उन्हीं नेत्रों के माध्यम से हमारे अंदर में उतर जाता है। इस प्रकार धाम धनी प्रियतम के सुंदराति सुंदर स्वरूप को हम निहारते हैं और धनी के आवेश जोश शक्ति को हम अपने रूह में
प्रवेश कराते हैं। बाहें चूड़ी बाज बंद सोहे फुम्मक। अब श्री राजी महाराज के स्वरूप में जो बाहों का यानी हस्त कमल के ऊपर जो बाहें आई हुई हैं उनका वर्णन करते हुए कहती है इंद्रावती सखी, वहां पर जो जामा धारण किया है उसमें चुन्नटे बनी हुई हैं, इसलिए बाहें चूड़ी। एवं कहते हैं कि बाजुबंद सोहे। इस प्रकार धामधनी ने जो बाजुबंद को भी पहरा हुआ है और इस बाजुबंद में फुंदन लटक रहे हैं, अत्यंत सुंदर वो फुम्मक की शोभा यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है। पहुंची कांडो कड़ी हस्त कमल की मुंदरी। हाथों में देखे तो जहां पर कांडा बना हुआ है उसी जगह में कड़े को धारण किया है श्री राज जी ने, एवं हथेले के इस हिस्से के ऊपर में पहुंची को धारण किया हुआ है। ये विभिन्न आभूषणों के नाम हैं जिनसे हम आप सभी परिचित होते हैं। तो इस तरह से कड़ा और जो धामधनी ने पहुंची को धारण किया है जिसमें विभिन्न मुद्रियां बनी हुई हैं, जो उंगलियों में धारण करते हैं, जो अंगूठे में धारण किया जाता है उसको अंगूठी कहेंगे, और जो उंगलियों पे धारण करते हैं वह मुद्री होती है। तो इस प्रकार धामधनी जी ने जो मुद्रियां अपने उंगली में धारण की हुई है उनके अत्यंत सुंदर शोभा का वर्णन श्री इंद्रावती सखी करती हैं। धामधनी के हस्त कमल की शोभा का वर्णन करते हुए आगे कहती हैं, नख का नूर चीर चढ़िया आसमान में। हे सुंदर साजी, धामधनी के हस्त कमल के उंगलियों में जो नख लगे हुए हैं ये नख के अंदर का नूर यानी जो तेज आया है वो तेज कुछ इस प्रकार से विद्यमान होता है, दृष्टिगोचर होता है, मानो कि वह सारी ज्योत को ठेलता हुआ, सब में से सारी ज्योति में से सभी को पीछे ठेलता हुआ अपना रास्ता चीर करके बनाता है और आसमान तक पहुंच जाता है। इस प्रकार धनी जी के प्रत्येक नख से ज्योत प्रस्फुटित होती है और आसमान तक पहुंचती है। हमने इस बात को नोटिस किया है, अंधियारा होता है, जब उस अंधियारे के बीच में जब हम टॉर्च को जला देते हैं उसकी जो रोशनी है वो किस प्रकार से अंधकार को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है, इसी तरह श्री परमधाम के अंदर ये अंधियारे का तो प्रश्न ही नहीं है, वहां तो सर्वत्र देखे तो नूर ही नूर, रोशनी प्रकाश ही प्रकाश छाया हुआ है। ये सभी नूर का केंद्र श्री राजी है, नूर जमाल है, लेकिन श्री राजी महाराज के प्रत्येक अंग से जो नूर किरणें उठ रही हैं वो अपने आप में इतनी शक्तिशाली हैं कि वो भी अन्य सारी किरणों को चीर करके अपना रास्ता बनाती हुई आसमान तक पहुंच जाती है। इस प्रकार से नख का नूर आसमान तक पहुंचता है। ज्यों हक चलवन करे सब अंगूरी। हे सुंदर साजी, ये निराली शोभा हमें कैसे और कब देखने मिलती है? ज्यों जैसे ही श्री राजी महाराज अपने उंगलियों का चलवन करते हैं, उंगलियों को किसी प्रकार से मोड़ते हैं, चलाते हैं, उस समय में ये अंगूरियां हिलती हैं, नख भी हिलते हैं, जो मुद्रियां हैं वो भी हिलती हैं, और इस प्रकार से उनकी जो ज्योत आती है निकल करके वो सीधे आसमान में पहुंचती हुई नजर आती है। ये इतनी सुंदर शोभा होती है जब श्री राजी महाराज अपने हस्त कमल को चलवन कराते हैं, उंगलियों को और अपने उन मुद्रियों को जो धारण किया है वो सब कुछ चलायमान होती है। इस प्रकार इस शोभा को निहारते ही आत्मा के अंदर अत्यंत सुख शांति का करार का अनुभव हो जाता है।
रोशनी पटुके करी अवकाश में। धाम धनी ने जो कमर में पटुका नीला ना पीला रंग का धारण किया हुआ है, इस पटुका में भी ऐसे नगरत्न आदि जड़े हुए हैं कि जिस पटुका की रोशनी उसके अंदर में जड़े हुए नगरत्नों की जो रोशनी है वो सब निकल करके अवकाश यानी कि आकाश में नहीं समाती है। इतना नूर वहां के प्रत्येक वस्तु के अंदर में है। ये तो नगरत्नों की रोशनी का वर्णन हुआ, किंतु साथ जी वहां का प्रत्येक रेत कण जो है इसमें भी धनी के ही नूर का अंश विराजमान है। उस प्रत्येक रेत कण के अंदर भी इसी प्रकार की नूरमय शोभा विराजित है। तो जब धाम धनी के पटुका की बात करते हैं, इसका नूर कैसे पीछे रहे, इसका नूर आसमान तक जल जलाकार हो जाता है। चरण भूषण जाम इजार जाएं, चरण कमल में जो तरह तरह के आभूषणों को श्री राजी महाराज ने धारण किया हुआ है, चरण के भूषण एवं जामे इजार जाई, जाई माने के परछाई पड़ती है, रिफ्लेक्शन होता है। जामा जो श्वेत रंग का है, इजार जो केसरिया रंग की है, ये दोनों का जो रंग है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर उसकी जाई आने की परछाई पड़ती है, दोनों का रिफ्लेक्शन आपस में पड़ता है, इसलिए जा में इजार जाई कहा है। तो दोनों के जो रंग है वो एक दूसरे के ऊपर में छा जाते हैं। कहे श्री महामती मोमिन रोह दिल को, इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज के स्वरूप का वर्णन ये तो कदापि हो ही नहीं सकता, लेकिन श्री महामती जी, श्री इंद्रावती सखी जी, वो अपने मोमिन रूहों से कहती हैं। पहले स्वयं की रूह को संबोधित किया कि हे रूह, इस स्वरूप को तू स्मरण कर ले, याद करते हुए साक्षात्कार कर ले। इसके पश्चात अंतिम चौपाई के अंदर अपनी समग्र रूहों से महामती कहते हैं, माशुक खेचे तो हे अरस के माहे, हे मेरी धाम की सखियों, मैं आप सभी के हृदय में ये बात पहुंचाना चाहता हूं। क्यों, जब वक्ता के हृदय से कोई बात छुटके निकल जाती है, जब उनके स्वयं के अनुभव के आधार पर वो बात निकल जाती है तो वो इतनी ठोस होती है कि वो सुनने वाले के कानों से प्रवेश होकर के सीधा उसके हृदय तक पहुंच जाती है और हृदय में गड़ जाती है। इसी प्रकार साक्षात्कार करते हुए इंद्रावती सखी यहां अपने मोमिनों के दिलों को भी यहां आह्वान करती हैं और ये कह रही हैं अपने अनुभव के आधार पर कि वो जो माशुक हैं, हमारे धाम धनी हैं, वो पल पल आपके सिर पे खड़े हुए हैं, और ये जो धनी हैं खेचे तो है रस के माहे। रूहों, आपने अपनी इस सुरता को इस माया में केंद्रित किया हुआ है, रात दिन यहाँ घूमना फिरना यहीं के कॉल फेल और हाल में आप लोग सिमटे हुए हैं। कुछ देर तक कनेक्शन होता है, फिर वो कनेक्शन चला जाता है, लेकिन माशुक का कनेक्शन ऐसा नहीं है। माशुक प्रियतम धनी है और उनका जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि ये माशुक पल पल हमको अरस में खींचने के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार की युक्ति किए जा रहे हैं। तो हे साथ जी, यहां इस जिमी का जहर उतारने के लिए धनी ने हमको ये वाणी रूपी धन प्रदान कर दिया, ये न्यामत को प्रदान कर दिया। अब इसी न्यामत के माध्यम से पल पल कैसे माशुक के साथ नेटवर्क मिलाना है, कैसे
धाम धनी के स्वरूप को निहारते हुए पल पल अपनी सुरता को वहां केंद्रित करना है, इसका विचार कीजिए, क्योंकि माशुक में तो कमी है ही नहीं। माशुक ने तो पहले ही कहा था कि मैं, आप वहां जाओगे, मैं वहां आऊंगा, जगाऊंगा, अपना वादा मैं निभाऊंगा। कहे अनुसार वे आए हैं, मगर अब हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए माशुक ने तो अपना वादा सफलतापूर्वक पूर्ण कर दिया है। अब रूहों के हाथ में है कि माशुक पल पल खींच रहे हैं, माया भी पल पल खींच रही है, लेकिन किसके खिंचाव में जाना ये अब रूहों को देखना है कि वो माशुक की बनना चाहती है कि फिर माया में गर्क रहना चाहती है। कभी कभी माया में हम गर्क ना भी हो, लेकिन ये माया पल पल खींच रही है। ऐसे में धाम धनी के स्वरूप में केंद्रित आत्मा को चाहिए कि वो पल पल धनी के स्वरूप में निछावर होकर के रहे, और इसी से वो इस माया के प्रकोप से बच सकती है। तो वाणी क्या नहीं देती सुंदर साज जी, हमें ध्यान करने के लिए, स्मरण करने के लिए, धनी के स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए इसका वर्णन हुआ है। हालांकि श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, क्यों वर्णो हक सूरत, अब लो कही ना किन्ना, ए जूठे देह क्यों रहे, ए जूठी देह क्यों रहे, सुनते यह वर्णन, सुनते यह वर्णन, क्यों वर्णो हक सूरत, अब लो कही ना किन्ना। हे साथ जी, ये वो हक सूरत का वर्णन यहाँ हुआ है, हक के स्वरूप का वर्णन इस वाणी में हुआ है। जिस स्वरूप को केवल इंकित करके बताते हैं वेद शास्त्र आदि, कोई पहुंच नहीं सके, कोई वर्णन नहीं कर सके, ये तो धनी के हुक्म के द्वारा, धनी की मेहर के द्वारा किया हुआ हक सूरत का वर्णन आप सहु के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसीलिए रूहों को चाहिए कि पल पल माशुक के साथ में जुड़े रहें और उनके इसी स्वरूप का दीदार करते रहें। तो हे सुंदर साजी, इसी सार गर्भित वचनों के साथ में आज की वाणी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रोशनी पटुके करी अवकाश में, चरण भूषण जामे इजार जाई, कहे महामत मोमिन रूह दिल को, माशुक खींचे तो है अरस के माही, मासुक खेचे तो है अरस के माही। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम सुंदर साथ।